Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut Ganga Nagar ke ek Oyo hotel mein युवती से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। युवक ने पहले युवती से मोबाइल पर दोस्ती की और फिर उसे होटल ले आया। यहाँ उसका एक दोस्त पहले से ही मौजूद था। आरोप है कि डरा धमकाकर दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया। युवती ने घर पहुंचकर आपबीती से परिजनों को अवगत कराया। परिजनों ने दोनों युवकों के खिलाफ बीते दिवस ही तहरीर दे दी थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट आज दर्ज की है। एक युवक हिरासत में बताया गया है, जबकि दूसरा अभी पुलिस पकड़ से दूर है। गंभीर बात यह है कि गंगानगर थाना पुलिस ने एक दिन बाद जरूर रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन अभी तक होटल अथवा उस रूम को सील नहीं किया है जहां सामूहिक बलात्कार होना बताया गया है। उधर ओयो होटल के मालिक अजय तोमर ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया है कि उसने अविनाश नामक व्यक्ति को यह होटल लीज पर दे रखा है। गंगानगर थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक जिस होटल में यह घटना हुई है उसका नाम होटल पर्ल इन है। यह होटल साईं प्लाजा में स्थित है। बाहर लगे ओयो होटल के बोर्ड पर संचालक का नाम अजय तोमर लिखा हुआ है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक देहात कमलेश बहादुर ने फर्स्ट बार डॉट टीवी को यह जानकारी दी। कल दिनांक 19/5/24 को साय में एक तहरीर थाने गंगानगर पे प्राप्त हुई थी, जिसमें एक युवती के साथ दो व्यक्तियों के द्वारा दुष्कर्म किए जाने के बात अंकित थी। इस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराई जा रही है और पीड़िता के 161 के बयान करा करके मेडिकल कराए जा रहे हैं और 164 के बयान कराए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।